वीराना। इस फिल्म की कहानी एक कल्पना है। ये एक मनगढ़ंत कहानी है जो पुरानी लोक कथाओं और दंत कथाओं से प्रभावित होकर लिखी गई है। इस मूवी में हॉरर में ठरक डालने की जगह ठरक में हॉरर डाली गई है। इस मूवी से इंस्पायर होकर बिपाशा ने अपना करियर बना लिया था। रिमेम्बर, हर रिलेशनशिप में एक हॉरर होता है और हर औरत एक चुड़ैल होती है। सॉरी नकिता, ये मूवी एक चुड़ैल के बारे में है जिसका नाम है नकिता। तो कहानी शुरू होती है बैटमैन की नाजायज बहन नकिता से, जो गॉथम सिटी छोड़कर वीराने में आ गई है लॉन्डों के साथ रहने के लिए। तो ये आर्कन राइट वाले अपने बैट केव में, जहां स्पाइडरमैन वैसे भी रिसेंटली हके गया है, वहां पे जीबी रोड से एक विक्टिम को नंगा पकड़ के उसे बांध देते हॉट निकिता के लिए। भाई मुझे मेरे को जाने दे, भाई मुझे नहीं, नहीं मेरे को चाहिए ये, मेरे को प्लीज, यार मेरे बहुत टाइम से क्या प्लीज। अरे मैं 3 साल से ठीक है। अच्छा ठीक है, तू जा। ये क्या है, तू जा, जाना नहीं, तू जाना, मुझे अरे जा, मुझे बहुत प्यार आ रहा था तुझे, जा। नहीं है, मुझे ठरक, तेरा वेट कर रही है वो। मेरे को ठरक नहीं है, मैं हो गया, मैं कर लूंगा, ब्रह्मचारी लाइन चलूंगा। तू तीन साल क्या था, नहीं ला लूंगा मैं। तो ये बैटमैन कल्ट लोगों को क्यों मार रही है? कुछ मजबूरी रहेगी यार। सही है, ऐसे थोड़ी ना लोग किसी को भी मार देते हैं। पर ठरक का अच्छा इस्तेमाल किया इन लोगों ने। इसलिए बोल रहा हूँ सुधर जा, इतना ठरके रहना ठीक नहीं राजीव। अबे साले, तो पड़ोस के गांव में कालीन भैया के पैदा होने से भी पहले दो पैर पे चलने वाले बाबूजी और उनका छोटा भाई सेक्सी समीर रहते हैं। तो गांव का मुंह पे लीच वाला आदमी ने बताता है कि गांव में एक हॉट औरत अकेले अल्फा मेल्स को, जो हॉट होते हैं, उन्हें उठा के उनके साथ यौन संबंध बनाती है और फिर मार भी देती है। तो सेक्सी समीर कहता है, अगर यह कहानी हकीकत है तो उस खूबसूरत बला की तलाश में जरूर करूंगा। मेरा भाई समीर जरूर कामयाब होकर लौटेगा, तब गांव वालों के दिलों से यह वहम दूर होगा। जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। बहू का ख्याल मैं रखूंगा। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा, आप गलत कर रहे हैं। देखो, इतिहास ने हमें एक चीज सिखाया है कि इस आदमी के साथ तो बहू को बिल्कुल ट्रस्ट किया जा नहीं सकता। तो सेक्सी समीर का गोल है कि वीराने में एक सेक्सी चुड़ैल को ढूंढना है, उसके साथ नंगे बाट तब तक पहुंचना है। यार बॉडी हो तो क्या नहीं हो सकता यार। हेलो, आर्नल्ड शिवाजी नगर जिम? हाँ, वो जिम मेंबरशिप चाहिए थी। हाँ हाँ, सेक्सी चुड़ैल पटा। तो ये यहाँ पहले तो शेक्सपियर स्टाइल में सीमक्स करते हैं। तुम्हारे जिस्म की खाल बिल्कुल नागिन की तरह है। होशियार रहना, कहीं नागिन डस ना ले। फिर ये इसका बैटमैन का टाइटल चोरी कर लेता है और इस इंस्टाग्राम मॉडल के 3 फिल्टर्स हट जाते हैं। तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां। और फिर ये अपना ओम दिखा के इसे गांव में इसका कोटा करने ले आता है और फिर सब घर चले जाते हैं। तो लगान वाला बॉलर बाबा इसे उठा के ले जाता है। कोई सीरियस नहीं है क्या इस फिल्म में? इस हॉरर मूवी में लोगों का आईक्यू पूनम पांडे जितना क्यों है भाई? बहन की झूठ बोल रही थी। तो वहां सेक्सी समीर अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ गया, जहां ये बस चिल करता है। अमीर लोग कालीन का बिजनेस जो है। तो अब बाबूजी की बेटी जैस्मिन की छुट्टी खत्म हो गई, तो उसे वापस ईशान अवस्थी के हॉस्टल में जाना है। फॉर सम रीजन इनके गांव के रास्ते कुछ ऐसे दिखते हैं। किसकी सरकार थी तब? देखता हूं। तो गाड़ी बीच में हो गई खराब, तो एक अकेली बच्ची को सेक्सी समीर ओपन रूफ कार में छोड़ के कहीं चला जाता है। तो लगान के बोलर बाबा बंगाली जादू टोना करके जैस्मिन को अपने वश में करके इसे अपने बैटमैन केव में, जहां अभी स्पाइडरमैन हक्के गया है, वहां ले आते हैं। देखा दोस्तों, इसीलिए चाइल्ड लॉक जरूरी होता है। लगाओ। तो नगीता, जिसे मर्द भी चाहिए और बच्ची भी, इसे एनाबेला की डॉल समझ के रख लेती है। या नगीता तो पीडीएफ फाइल निकली। Save as PDF।
और सो सेक्सी समीर मर जाता है, कोई नहीं बहू तो एटलीस्ट घर पे सेफ है। तो लगान वाले बोलर बाबा जैस्मिन को घर ले आते हैं और ये लोग सिंस इसने इनकी हेल्प की है इसे घर पे रख लेते हैं। बाबा जैस्मिन को आपने एक नई जिंदगी दी है, उसकी देखभाल भी अब आप ही करेंगे। मैं आपको नहीं जाने दूंगा। अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं यही रहूंगा। क्यों? पर सच तो ये है कि जैस्मिन में नकीता है एंड सिंस इस लाइन में दोनों औरतें हैं तो ये लाइन अनॉर्मल लग रही है। तो अब ये बच्ची मगलू नहीं रही तो ये जादू करती है, जैसे कि मच्छी मारना, अपने चाचा की मांग भरना, चाची को हार्ट अटैक दे के मार देना। इसे पता नहीं है क्या हॉगवर्ट्स के बाहर जादू करना अलाउड नहीं है। सही कह रहा है। कौन है जिसने जादू दुनिया का नियम तोड़ा? अपनी शक्ल दिखाओ। साले खुद कर ले। तो बाबूजी की बहू तो वेल मर गई। या हम गलत थे, इसके यहाँ कोई भी सेफ नहीं है। तो जैस्मिन में कुछ खराबी है, मानो उसके अंदर चुड़ैल है, या मतलब वो खुद चुड़ैल नहीं है। तो ये आदमी सेक्सी समीर की बेटी साहिला को उसकी नानी के पास भेज देता है। मैं साहिला को इस मानूस हवेली में नहीं रहने दूंगा बाबा, मैं आज इसे बंबई भेज दूंगा, इसे इसकी नानी के पास। तो अब इसकी बेटी शहर में डोलमा आंटी की मोमोज खा रही है तो गांव वाली इंस्टा पे रील्स बना रही है। ये 5 मिनट का सीन 3 घंटे का क्यों है भाई? बहुत मजा आ रहा है। मुंह में क्यों ले रहा है तेरा अपना? अबे पॉपकॉर्न खा देना। Are you sure? तुझे क्या लगा? तो घर का नौकर इसे स्टॉक कर रहा है क्योंकि इसे इसकी पिन पॉइंट लोकेशन घर की दूसरी छिड़ रही नौकर ने ही तो दिया है। अरे बहुत जल्दी में हो मेरी पुदीने की चटनी, घर में कोई नहीं है। जैस्मिन घर पे है और वो नहा रही है। इस फिल्म में कोई महिला सेफ नहीं है। ये फिल्म क्या दिल्ली में शूट हुई है क्या? Yes. Also, ये लड़की जब जानती है कि घर में प्राइवेसी बिल्कुल नहीं है तो बत्ती बुझा के क्यों नहीं कर रही है सब कुछ? मानो इसके अंदर कोई चुड़ैल हो। Meanwhile, ये 500 दिन की ट्रिप मारते हुए सर्गवासी सेक्सी समीर की बेटी अपने कजन पिंटू डायरेक्टर के साथ आ रही होती है, मगर वहीं पे लगान वाले बोलर बाबा खनी के पापा को भेज देते हैं लड़की छेड़ने। तो खनी के पापा को कौन मारेगा? मेरा था, मेरा पा टार्जन। तो सिंस टार्जन ने इन पे फेवर किया है तो ये उसे अपने साथ घर ले गई। तो फिर चलो हमारे साथ चंदनगर। क्या बकवास करती हो बेटी? ये कुछ ऑब्सेशन है क्या इस फैमिली को लोगों को घर ले जाने का? चुप। मीनवाइल जैस्मिन के अंदर टाइम टू टाइम नकिता आती रहती है। चले जाओ यहाँ से। पीरियड्स? तो जैस्मिन जब उठती है तो वो ये डॉक्टर से कहता है। लगता है एनिमल ज्यादा देख लिया। शाम 5 बजे होता स्प्लेंडर दा गड़ा वड्डे रूट चलवाए पर कुड़ी ना। तो जैस्मिन जब उठती है तो वो हॉर्नी होती है। तो ये डॉक्टर इसे कहता है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? क्या याद नहीं है डॉक्टर अंकल? कुछ नहीं बेटे। Save as PDF. Also, ये कैसा डॉक्टर है यार जो इसके सामने ही पाइप फूंक रहा है? अपनी सेहत का ख्याल रखे। फिंगी संगत का असर है। धन्यवाद। वहीं साहिला के 500 ट्रैवलिंग डेज में 250 दिन हो चुके हैं और ये लोग इसी होटल में रुके हुए हैं। एंड सिंस ये मूवी एक फेमिनिस्ट मूवी है तो चाहे हॉट औरतें हो या मर्द, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। देखती क्या है? भाग साली। लीजिए। अंदर आ जाओ। अंदर क्यों? मेरा साबुन हाथ से फिसल गया है, आओ। देखा, पॉन फेमिनिज्म प्रमोट करता है इसलिए से यस टू फैप। 6 आया 6 आया।
तो सिंस इस गांव में टिंडर बंबल ओके क्यूपिड ट्रूली मैडली हैपन नहीं चलता, तो जैस्मीन क्या करे यार, उसके अंदर भी तो तड़प है। सिंपल है, पेट्रोल पंप के मालिक के पास जाओ जो कामा सूत्र की बुक पढ़ रहा है। साले इसमें पोजीशंस के बारे में होता है, तू पेट्रोल बेचता है बे। तो जैस्मीन गांव की इकलौती वुमेन ड्राइवर है जो बैट ओमनी में बैठ के आदमी को उठा के घर ले जाके दारू पिला के सेड्यूस करके सीमक्स करती है। भाई ऐसी बंदी मैं भी डिजर्व करता हूं यार। सॉरी नो सॉरी दीदी, नहीं नहीं प्लीज नहीं। तो जैस्मीन के अंदर रिमेंबर नकिता है, मेरे अंडरवेन है, तो ये मर्दों को सेटिस्फाई करके मार देती है यार। अच्छी चुड़ैल है, जन्नत दिखा के तो मारती है। तो बाबूजी को पता चल जाता है कि जैस्मीन इज आओ हो Meanwhile, साहिला इस रिमोट लोकेशन गांव में 500 दिन का ट्रैवल करके पहुंच गई है एक अनजान आदमी के साथ, और बाबूजी इज लाइक, देखो बेटे हमारे काफी बड़े जंगलात हैं और इतने बड़े कारोबार को संभालने के लिए हमें अपने ही आदमी की जरूरत है। आज से तुम मुझे ठाकुर साहब नहीं बाबूजी कहकर बुलाओगे। ये कैसा गांव है यार जहाँ लोग इतने प्रोग्रेसिव हैं, बेटी एफटीयू वाले कपड़े पहन के घूम रही है और पेट्रोल स्टेशन वाले ग्रह शोभा की जगह कामा सूत्र पढ़ रहे हैं, बुढ़ा बेटी के लाए रैंडम लोगों को एक्सेप्ट भी कर लेता है। भाई किसी और स्टेट में होता ना ये तो फ्रिज में मिलता। क्या बात कर रहे बाबा। मीनवाइल डायरेक्टर को लगा कि अचानक से मूवी में सेक्स नहीं आया, तो जैस्मीन को बोलते हैं चल वही कर जिसके लिए तेको हायर किया है। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, और जैस्मीन एज यूजुअल टिंडर बंबल हाय जो क्यूपिड ट्रूली मैडली हैपन की कमी के वजह से सड़क पे चल रहे रैंडम मर्दों को राइट स्वाइप कर रही है। ओ ये लिफ्ट हुआ। मैंने कहा लिफ्ट चाहिए आपको? मेरे कपड़े गीले हैं। ये तो और भी अच्छा है, गाड़ी धुल जाएगी। आइए आइए घबराइए मत, आइए बैठ। तो जैसे हमारे मोहल्ले में खबरी होती है आंटीज, वैसे ही कबीरा स्पीकिंग बाबूजी का खबरी है, तो जैस्मीन की होस्ट स्टोरीज जाके बता देता है उन्हें। ठाकुर साहब आज फिर गांव से दूर वीरानों में एक अजनबी की लाश मिली है। मुट्ठी खाने लाश पर जख्मों की लकीरें, आंखें खौफ और दहशत से फटी हुई, किसी ने बड़ी बेरहमी से खून किया उसका। पर जब बाबूजी जैस्मीन को कन्फ्रंट करते तो वो अपने मसूड़े दिखा के निकल जाती है। मुझे वीराना पसंद है। सोनी विशेष डाइडेंटी। वैसे काफी साफ मसूड़े हैं। कौन सा मंजन? देख, कोलगेट लगता है। Meanwhile, जैस्मीन सो रही होती है, तो उसके अंदर कुछ तो घुस जाता है। तो जैस्मीन को चाहिए अब डॉक्टर। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा बेटे, और तुम उन सवालों के जवाब दोगी। ओके डॉक्टर। रिलैक्स। कौन देख रहे हैं? रिलैक्स योरसेल्फ, टोटली रिलैक्स योरसेल्फ। मतलब अपने हाथ पांव बिल्कुल ढीले छोड़ दो और अपना पूरा ध्यान मेरी तरफ दो। शायद। तो यहाँ डॉक्टर को पता चलता है कि इसके अंदर चुड़ैल है। मैं जैस्मीन नहीं। तो डॉक्टर ये रिकॉर्डिंग बाबूजी को जाके सुना देता है। मैं जैस्मीन नहीं। जब 10 साल की, मेरा छोटा भाई समीर उसे हॉस्टल छोड़ने के लिए मसूरी जा रहा था। नो। तो ये डॉक्टर को कहता है कुछ दिन तो गुजारो वीराने में, तभी तो मजे आएंगे हिलाने में। अगर आप कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक जाए तो मुझे बड़ी तसल्ली होगी। इस बुड्ढे का क्या ऑब्सेशन है यार लोग को घर पे रखने का है? सर आपका डिलीवरी। आपने बहुत अच्छा काम किया है, चलिए आप हमारे साथ चलिए। सर नहीं। आज बताता हूँ तुझे, चल चल। अजीब बुड्ढा है। सही कह रहा है, शायद गे है। हाँ। तो अब डायरेक्टर को लगा कि बहुत देर से सेक्स नहीं डाला है, तो जैस्मीन अपने मीशो वाले कपड़े पहन के टार्जन को सेड्यूस करने लग जाती है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं भी हो जाता। तो ये इतना लॉयल बॉयफ्रेंड है कि ये अपनी ही बंदी को जाके बता देता है कि जैस्मीन को देख के इसे कुछ तो हो जाता है। साइला, मैं जैस्मीन के बारे में सोच रहा था, मैं जब भी उसकी आंखों में देखता हूँ मुझे कुछ हो जाता है।
एक्सपेक्टेशन कुछ तो हो जाता है क्या हो जाता है अरे कुछ नहीं होता तो मीनवाइल डायरेक्टर को लगा कि लोग थोड़े ज्यादा हो गए तो जैस्मिन से मूवी की कॉस्ट कटिंग करवाने के लिए पहले डॉक्टर को न्यूक्लिया के सॉन्ग में नचवाता है इसे कहते हैं मौत का नंगा नाच सही कह रहा है अभी मैं देख कर आया हूँ सीन में भड़ास निकाल तो फिर इन घर वालों को रियलाइज होता है कि ये लगान वाले बोलर बाबा शेडी तो है क्योंकि सबसे पहले इन्हें तो हायर किया गया था बाबा उसकी देखभाल भी अब आप ही करेंगे मैं आपको नहीं जाने दूंगा क्या मतलब जिस इंसान को बिना आधार कार्ड नाम पता पुलिस वेरिफिकेशन के रखा था काम पे वो शेडी है क्या मतलब शैंकी को काम से निकाल दे पर यहाँ होता है इतिहास का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट देशद्रोही से भी बड़ा प्लॉट ट्विस्ट सेक्सी समीर जिंदा है कमीने जलील तुमने मुझे बरसों तक इस तहखाने में कैद कर रखा है आखिर तुम चाहते क्या हो एक मिनट इन लोगों ने इस आदमी को इतने साल बंद रखा इसका खाना पीना जिम प्रोटीन इंटेक सबका ध्यान रखा योगी लोग बुरे नहीं होते हालात बुरे होते हैं भाई चले तुमने नकीता को मारा था और अब नकीता के हाथों तुम्हारी मौत होगी तो इनका प्लान है कि जैस्मिन की आज बलि चढ़ेगी ताकि नकीता जिंदा हो सके और बदलेदार रिवेंज लेने के लिए ये सेक्सी समीर को मारेंगे मत मारो यार बाहर जाओ लड़कियां देखो पिक्चर तो पिंटू डायरेक्टर ने लिटरली खली के पापा की गांड मारी और इन्हें वापस ले आया क्योंकि इन्हें साथ साथ रहना पसंद है हम साथ साथ है हम साथ साथ है आज अमावास की खूनी रात है आज वो अपने शैतान देवता के सामने जैस्मिन की बलि चढ़ेगा नहीं और फिर नकीता जिंदा होगी तो अब इन्हें जैस्मिन को बचाना है तो ये लोग गिटार केस लेके पहुंच गए बैटमैन केव में जहां सिंस इनके पास दो लोग हैं जिनके पास जिम मेंबरशिप है तो सेक्सी समीर और टार्जन आराम से उसको पेल देते हैं और बाबूजी लड़कियों का ख्याल रखते हैं नहीं 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 डरो मत बहू नहीं है ये बेटियां हैं इतने छोटे मारूंगा पर जैस्मिन के अंदर से नकीता को निकालना है तो फैंटा की एक बोतल तोड़नी होगी और जो बोतल तोड़ेगा उसे डायरेक्टर गोली मार देगा तो बहू को किसने छेड़ा था कमेंट करो मैंने तो मारो साले को फिर बाद में ये लोग उस ओम से लगान वाले बोलर बाबा को भी मारते हैं जिसके वजह से आई डोंट नो व्हाई पर सारे गोबर शक्ल वाले मर जाते हैं क्यों ये तुम राम से बदल से जाके पूछना वो भी जिंदा नहीं है What the fuck? और रिस्क ना लेते हुए ये लोग नकिता को जान से मारने के लिए मंदिर ले जाते हैं जहां भगवान जी के सामने ये पिघल जाती है बेचारी सफाई वाले का जीना रामने वाला है और वेल फाइनली कहानी खत्म पता नहीं इनका क्या हुआ उसके बाद एक चीज तो क्लियर है कि इस फिल्म में सारी लड़कियां मर्दों से ऑब्सेस्ड हैं एक तो चुड़ैल है और दूसरी भी चुड़ैली है जस्ट लाइक सारी लड़कियां तू पिटने वाला है भाई और बाबूजी एक नंबर के डम आदमी है रामू जैस्मिन का ख्याल रखना बाबा जैस्मिन को आपने एक नई जिंदगी दी है उसकी देखभाल भी अब आप ही करेंगे मैं डॉक्टर अगर आप कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक जाएं तो मुझे बड़ी तसल्ली होगी तो देखो आज से तुम मुझे ठाकुर साहब नहीं बाबूजी कहकर बुलाओगे और इसके पास बहुत तो सेफ बिल्कुल भी नहीं है यार एक और चीज तो क्लियर है कि कितना भी हम राम से बिजनेस को इनकी हॉरर मूवीज के लिए जज कर ले पर इनके वजह से महेश भट्ट ने तो करियर बढ़ा लिया थारक वाली हॉरर फिल्म्स बना के देयर आर नो आंसर्स तो रिमेंबर ऑल द फिल्म मेकर्स जब हॉरर फिल्म का ए सर्टिफिकेट मिल ही रहा है तो गो ऑल इन वांगा से सीख लो कुछ बाकी वीराने में अकेले कभी मत जाना साथ में एक छोटी बच्ची लेके जाना तो ये था वीराना जो हमने देखी सफर की सफर में देखी हमने जैस्मिन देखी उसमें क्या, क्या उसके बाद कभी किसी को नहीं दिखी जो सोफिया आई एम सॉरी का उसने जो कॉस्प्ले किया था मुझे बहुत अच्छा लगा तो अगर तुमने वीराना देखी है और तुम भी ठरकी हो तो तुम बताओ कमेंट सेक्शन में कि तुम कितने ठरकी हो आई डोंट नो व्हाई पर ये सबकी ठरक जानना चाहता है और अगर तुम चैनल पे नए हो तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है वो दबा देना और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो इतना एंड तक आने के बाद भी लाइक नहीं कर रहे और हमने इसी फॉर्मेट में देशद्रोही देखी है वेट
लेट मी रिकरेक्ट, सफर की है, इसलिए तुम वो भी जाके जरूर देखना। मगर क्यों? फक यू केआरके। तुम लोग हमें हमारे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो, ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स। हम मिलते हैं गाइस अगली ऐसी वीडियो में। अगर ज्यादा लाइक्स आएंगे ना इस पे तो हम पक्का ऐसी वीडियोस जल्दी जल्दी लाएंगे। वैसे तुम्हें कौन सी वीडियो चाहिए? नीचे कमेंट्स में बताओ, भर दो भाई। तब तक के लिए ओके बाय। लगती तू रहंदी अंबरा ते दिल तकदा जे तेनू करी जांदा ओए होए, दिल तेरे लई कमला वे तेनू तकदा जे बस करी जांदा ओए होए। लगती तू रहंदी अंबरा ते दिल तकदा जे तेनू करी जांदा ओए होए, दिल तेरे लई